देखिए यहाँ पर वर्ब टू हैव है, यानी कि टू हैव की एक फैमिली पूरी होती है, और टू हैव फैमिली में तीन आता है ना, हैज, हैव और हैड, ध्यान देना। और ये टू हैव, ये जो हैज, हैव, हैड है, इनको हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एज अ ऑक्सिलरी वर्ब, और दूसरा यूज करते हैं एज अ मेन वर्ब या एज अ फुल वर्ब या एज अ प्रिंसिपल वर्ब, ध्यान देना। अगर हैज या हैव या हैड, यानी कि हैव कैटेगरी का यूज हम मेन वर्ब की तरह कर रहे हैं, तो इसका यूज अर्थ जो निकलता है खाना से, लेना से या पीना से निकलता है, क्लियर है। लेकिन अगर इसको हम एक पजेशन के सेंस में ले रहे हैं, पजेशन मीन्स अधिकार के सेंस में, तो अनडेड सिचुएशन इसका जो सेंस निकलता है वो पास से निकलता है ना, वो किससे निकलता है, पास से निकलता है, क्लियर है, ओके। चलिए तो यहाँ पर दो क्लियर हुआ। अब जैसे यहाँ दिया गया है, देखो हैज और हैव, इसका यूज प्रेजेंट में होता है, और पास्ट में हैड होता है, और फ्यूचर में सेल हैव या बिल हैव होता है। इसको ऐसे अभी रफली समझ लीजिए, जैसे अगर मैं कहूँ मेरे पास एक किताब है, तो प्रेजेंट का पजेशन है, यानी कि अगर प्रेजेंट का पजेशन हो तो हैज या हैव में से एक ही प्रयोग करना है, तो क्या होगा, आई हैव अ बुक। लेकिन मैं कहूँ मेरे पास एक किताब थी, तो दिस इज द पास्ट पजेशन, सो वी हैव टू यूज हैड, मीन्स आई हैड अ बुक। चलो इतना क्लियर हुआ। अगर ये फ्यूचर में पहुंच जाए, तो जैसे मैं कह दूं मेरे पास एक किताब होगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, आई सेल हैव अ बुक, क्लियर है ना, इतना समझ में आया। अब यहाँ देखो, अधिकार यानी कि ऑनरशिप या पजेशन, और दूसरा होता है संबंध दिखाने के लिए, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब जैसे मेरे दो भाई हैं, तो यहाँ देखो पास वाला तो है नहीं, मेरे दो भाई हैं, तो यहाँ क्या होगा, आई हैव टू ब्रदर्स। अच्छा दिमाग लगाओ, मेरे दो भाई हैं, इसका मतलब मेरे पास दो भाई हैं, है ना, मेरे 10 प्लॉट हैं, तो इसका मतलब मेरे ही पास तो 10 प्लॉट हैं, है ना, तो वही ये रिलेशन वाला आता है। आई बी यू दे और जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ में हैव, और ही सी इट और जितने भी सिंगुलर हैं इन सब के साथ में हैज लगाएंगे। बोलो इतना क्लियर है, ओके। देखिए मैं एक कार रखता हूँ, या मेरे पास एक कार है, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई हैव अ कार, क्या बोलेंगे, आई हैव अ कार। मेरे बहुत मित्र हैं या मेरे पास बहुत मित्र हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई हैव मैनी फ्रेंड्स, क्लियर है। उसके बाल लंबे हैं, इसका मतलब उसके पास लंबे बाल हैं, है ना, तो बाल पर अधिकार उसी का है ना, हाँ, तो क्या हो जाएगा, सी हैज लॉन्ग हेयर। राम के दो पुत्र हैं, तो राम का रिलेशन पुत्र से है, तो चाहे बोलो राम के दो पुत्र हैं, और चाहे क्या बोलो राम के पास दो पुत्र हैं, तो क्या होगा, राम सिंगुलर है, सिंगुलर साथ हैज, राम हैज टू सन्स। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास एक प्रेम का है, तो आई हैव अ गर्लफ्रेंड, सपोज कर लो, मान लेना क्या है ना। कुर्सी के चार पैर होते हैं, तो अब देखो होते हैं कि इंग्लिश मत खोजने लगे, हिंदी मीडियम की बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये सब की इंग्लिश खोजते, होता है कि इंग्लिश क्या होगी सर, होते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, या एक्चुअली दिस इज इन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ये सही है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ही है। और हैज जो है आपका, ये फिफ्थ फॉर्म है, हैज जो आपका क्या है, फिफ्थ फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, द चेयर हैज फोर लेग्स, होते हैं। जानवरों में भी भावुकता होती है, तो एनिमल्स हैव आल्सो द इमोशनैलिटी, इमोशन की फीलिंग्स उनके भी अंदर होती है। राम की दो बेटियां हैं, मतलब राम के पास दो बेटियां हैं, तो राम हैज टू डॉटर्स, मेरे पास दूध नहीं है। इसको तीन तरह से बोल सकते हैं, आई हैव नो मिल्क, इसका मतलब मेरे पास कोई दूध नहीं है, आई डोंट हैव एनी मिल्क, ये मॉडर्न में आजकल यही चल रहा है, आई डोंट हैव एनी मिल्क, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है ना, आप कुछ भी मना कर लो, आई डोंट हैव दिस टाइप ऑफ सच अ थिंग्स, आई डोंट हैव सच अ फूलिश थिंग्स, है ना, कुछ भी मेरे पास इस तरह की बेवकूफ़ी वाली चीज़ें नहीं है, या मैं नहीं रखती। दूसरा बोल सकते हैं, आई हैव नॉट मिल्क, क्लियर है, तीन तरीके से। मेरे पास एक कार थी, तो पास्ट में चला गया, तो क्या हो जाएगा, आई हैड अ कार। सेल है, बिल है, सेल है आई बी के साथ, और बिल है बाकी सबके साथ, मॉडर्न में सबके साथ लगा दो बिल है। मेरे पास एक कार होगी, तो आई सेल है बा
का राजेश की दो बहनें होंगी, तो राजेश विल हैव टू टू सिस्टर्स। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट है, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप चाहें तो अलग से इसको फोकस में करके लिख लीजिएगा। हैव का यूज इम्परेटिव सेंटेंस में, जैसे संयम रखें हैव पेशेंस, इसको बी पेशेंस भी बोल सकते हैं, मजा करो हैव फन, है ना, हिम्मत रखो यार हैव करेज, भरोसा रखें हैव फेथ, थोड़ी चाय लें हैव सम टी। क्लियर है? अब यहाँ मेरे सिर में दर्द है तो क्या हो जाएगा, आई हैव हेडेक, आई एम हेडेक मत बोलना, आई हैव हेडेक, मुझको टेंशन है, मतलब मेरे पास है टेंशन, मुझे तनाव है, तो आई हैव टेंशन, मैं खा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो होता है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन, मैंने उसे देखा है, आई हैव सीन हिम, सूर्य अस्त हो गया है, तो द सन हैज सेट, है ना, वह एक उपन्यास लिख चुकी थी, पास्ट का केस है, तो सी हैड रिटन अ नॉवेल, तुम अपना पार्ट सीख चुके होगे, क्या हो जाएगा, यू विल हैव लर्नड योर लेसन। अब देखो हैव का यूज अगर मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो अर्थ किससे निकलता है, खाना लेना या पीना से, जैसे मैंने नाश्ता कर लिया था, आई हैड हैड माई ब्रेकफास्ट, ये मिस प्रिंट नहीं है, ये पहला हैड तो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट वाला, दूसरा हैड जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यहाँ देख सकते हैं हैव हैड हैविंग और हैज, इतना क्लियर है, तो ये था आपका हैड का यूज। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका ये देखो इजेमार, देखो इजेमार है हो हूँ, होता है होती है होते हैं, रहता है रहती है रहते हैं, लगता है लगती है लगते हैं, इस तरह के सेंस में, जैसे देखो, और ये तो पता है कि साथ हैं हम ही से इट वन नेम के साथ ही जाए भी यू दे टू नेम आर मोर देन टू नेम एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है आ रहा था, ये तो पता ही है ना, पानी ठंडा होता है सही बात है, तो क्या होगा वाटर इज कोल्ड, शहद मीठा होता है शहद मीठा लगता है, तो हनी इज स्वीट, सोना पीला होता है गोल्ड इज येलो, या चीनी मीठी होती है चीनी मीठी लगती है तो शुगर इज स्वीट, ऐसा मत करना शुगर फील्स, है ना, स्वीट शुगर फील्स स्वीट ऐसा आता है ना, शुगर कोई इंसान है वो फील करती है महसूस करती स्वीट नहीं, है ना, तो यहाँ बोलेंगे शुगर इज स्वीट, दूध उजला होता है मतलब सफ़ेद, मिल्क इज वाइट, माँ दयालु होती है तो द मदर इज काइंड, सिंह बहादुर होता है द लायन इज ब्रेव, आम मीठा होता है आम मीठा लगता है द मैंगो इज स्वीट, गरीब ईमानदार होते हैं द पुअर और ऑनेस्ट, बच्चे अबोध होते हैं इनोसेंट द चिल्ड्रन आर इनोसेंट। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी तो आता है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट है ये आता है आपका पैसिव वॉइस में आता है, इंडिफरेंट के पैसिव वॉइस में, जैसे सारे संसार में अंग्रेजी बोली जाती है तो क्या हो जाएगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम कह दें 15 स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो कहीं भी अगर या जाता है ये जाती है ये जाते हैं ऐसा संसार है तो इज मार के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना, जैसे आप स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है तो द इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। क्लियर? तो ये था आपका इजेमार और हैज या हैव का यूज, आई होप क्लियर, समझ में आ गया, ओके okay।